अज तुहाडे नाल मैं गुरु नानक साहब की बनारस जान की जिहड़ी है साखी उहदा चर्चा करांगा। गुरु नानक साहब पहली उदासी के दौरान बनारस जी गए सन, जिहनूं वाराणसी ते काशी भी कहिंदे हन। ये गल 19 फरवरी 1509 की है, जिस दिन गुरु नानक साहब बनारस पहुँचे हुए सन। साढ़े कोल इक तारीख मिलती है, सारियां तारीखां भावें नहीं मिलदियां, पर यह तारीख मिल जाती है कि 19 फरवरी 1509 के दिन गुरु नानक साहब बनारस विच पहुंचे सन। असी जानते भी 1 अक्तूबर 1507 उन्होंने सफ़र किया है, उदासियां ते सारे पास चक्कर कढ़ते हुए इस थान ते पहुंचे ने। तो जो गुरु नानक साहब काशी बनारस वाराणसी पहुंचे ने, तो उस असी जानते भी उत्थे एक दरिया है, गंगा दरिया है, जिसके आले दुआले शहर वसया होया है, और उत्थे एक बड़ा पुराना मंदिर भी है। मंदिर विच लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होंगे। गुरु नानक साहब ने बनारस जिहड़ा चुनिया उहदे कारण तीन सन। सब तो वड्डा कारण तां वी उत्थे बनारस गंगा दरिया दे आले दुआले वसिया होण करके, और कुछ हिंदू लोग इस नूं पवित्र भी मनदे हन, उह इत्थे अक्सर आंदे जांदे रहिंदे हन, डुबकियां लांदे हन, ते इहदे च अपने पाप धो जांदे हन। इह उहनां दा अपना विश्वास है, साडा विश्वास जिहड़ा है उह पाणी दे विचों धोयां नहाण नाल पाप नहीं खतम हुंदे। गुरबाणी थां तां देखिआ वी इह नहाणा धोणा जिहड़ा इहदा कोई मकसद नहीं है, जिहड़ा रिचुअल बाथिंग है, इहदे नाल कोई कुछ नहीं हुंदा। पाप ते उह तुहाडे उदों तों धोते जांदे आ जदों तुसीं चंगे मन नाल कोई चंगे काम करना शुरू करदे हो, आप पछतावा करदे हो, अहसास करदे हो कि मुड़ के इह काम नहीं करना, उहदे नाल ही पाप धोते जांदे आ। कोई किसी इस तरह के कर्म कांड के नाल पाप नहीं धोते जाते। खैर, गुरु नानक साहब ने, क्योंकि उत्थे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे सन, भीड़ जी है वो किसी थान पर जाके तुसी अपना पैगाम देना, तो भीड़ सब तो वधिया मौका होंगे। किसी तरह की भीड़ हो, भावें किसी मेले की भीड़ होवे, किसी धर्म के कर्म कांड की भीड़ होवे, भावें किसी तरह का भी उत्थे यज्ञ लगा हो, गुरु नानक साहब इस करके बनारस गए सन। होर उन्हां दा गंगा नहाण दा कोई काम नहीं सीगा, क्योंकि उस नहाण नूं तां उह थां थां ते अपने शब्दां विच ते बाकी गुरु भी रद्द करदे ने। दूजा बनारस जाण दा कारण इह सीगा वी उत्थे इक बजुर्ग कवि रहिंदे सन, बहुत वधिया कवि सन, भाई भगत रविदास जी। भगत रविदास जी जिहड़े आ उह बनारस विच रहिंदे सन, ते उन्हां दा वी चर्चा जिहड़ा कई पासे पहुंचिया होया सीगा, ते गुरु नानक साहब भगत रविदास नूं वी मिलना चाहुंदे सन। तीजा कारण यह है भी भगत कबीर भी जिहड़े सन उही बनारस दे विच रहिया करदे सन। इह दोवें बनारस दे दोनों वख वख सिरियां दे उत्ते रहिंदे सन, तो गुरु नानक साहब भगत कबीर नूं मिलना चाहुंदे सन। कबीर गुरु नानक साहब तो 10 साल वड्डे सन, ते रविदास जी तकरीबन 40 साल गुरु नानक साहब तो वड्डे सन। तो जदों गुरु नानक साहब गए आ गंगा नदी के कंढे ते बैठे आ, लोगों नाल चर्चा करनी शुरू कर दिती है, शब्द पढ़ते सन, उसकी व्याख्या करते सन, कथा करते सन, लोगों नाल चर्चा करते सन। जिस तरह है ना, जब जब दुनिया रही है नानक किछ सुनी है किछ कही है, लोगों दी सुनिया गल्लां लोगों नूं गल्लां दसनिया, विचार वटांदरा करना। जदों गुरु नानक साहब कर्मकांड दे नूं रद्द करते सन, गुरु नानक साहब गंगा इशनान नूं रद्द करते सन, गंगा नदी की पवित्रता नूं रद्द करते सन, तां ब्रह्म जिहड़े उन्हां नाल चर्चा करना पैंदे सन। उन्हां विच्चों इक जिहड़ा चतुरदास नां दा ब्राह्मण, नाम शायद कोई होर भी हो सकता है, पर क्योंकि असी एक थां ते चतुर कहावे पांडे शब्द आउंदा है, तो इस तों असी महसूस करदे हां वी शायद उसदा नां चतुरदास ही होवेगा। तो चतुरदास जिहड़ा अपने आप नूं बड़ा वड्डा सियाणा कहिंदा सी, सारे ब्राह्मण अपने आप नूं सियाणे कहिंदे आ, इहदे च कोई शक वाली गल नहीं भी जिहड़े शास्त्र पढ़दे ने, जिहड़े किताबां पढ़दे ने, उहनां नूं सूझ आउंदी हुंदी है। सूझ किताबां पढ़िया आउंदी है, सिर्फ गल्लां सुणिया नहीं आ जांदी। किताबां विच बहुत ज़्यादा ज्ञान हुंदा है, सुनण नाल तां असीं थोड़ी जिही चीज़ां 'ते चर्चा कर सकांगे, इन्ना समां नहीं हुंदा। किताब दे सैकड़े पेजिस हुंदे आ जिन्हां सफ़ियां नूं असीं पढ़ सकदे हां, ते जिहड़े ब्राह्मण ने उह, क्योंकि जिहड़े सही ब्राह्मण सन, ब्राह्मणां 'च दो किस्म दे लोक ने, एक जिहड़े कर्म कांड करदे पूजा करदे आ, दूसरे ब्राह्मण उह जिहड़े पंडित ने, पंडित मीन ज्ञानी, ज्ञान जिसनों है, जिहड़ा किसी चीज़ दा माहिर है। तो जिहड़े पंडित किस्म दे लोक सन उह इस इन्हां किताबां नूं पढ़दे सन, इस करके ब्राह्मण बहुतिआं नूं ज्ञान तां हुंदा ही सीगा, ते गुरु नानक साहिब नाल चर्चा करन लग पिया।
जिस तरह कुरुक्षेत्र रंधा मास रखन से गुरु नानक साहब ने शब्द उचारिया मास मास कर मूर्ख झगड़े, इतने सूतक की गल कर लग पे सन ब्राह्मण। भाई सूतक हुंदा है, सूतक हुंदा पिट जाना, पृष्ठ जाना, पृष्ठ जाना हुंदा पतित हो जाना, गिर जाना। तो जी सूतक की गल करते सन ब्राह्मण, ये कहते भी कोई चीज़ा जड़िया ने जिन्होंने हथ नहीं लाना पृष्ठ जाते हैं। और उन्होंने गल करद करद वह कह लग पे जे शूदर जड़े ने वह किसी चीज़ में हथ ला तो वह पृष्ठ हो जाती है, पिट जाती है। ते शूदर तो उन्हों का भाव भगत कबीर ते रविदास भी सी। तो जो गुरु नानक साहब ने उन्होंने चर्चा की भी प्रिश्ना किनू कहते हैं, प्रिश्ना कहते हैं पतित हो जाना, गिर जाना, नीवा हो जाना, डिग पैना, जोड़ा वो कमीना हो जाना। कहते कमीना जात नाल नहीं हुंदा, कमीना किसी बंदे ते हथ लाण नाल नहीं हुंदा, पतित पुनः ते प्रिश्ट जा जोड़ा है वो उदो हुंदा जो तुहाडा मन पवित्र है। तो इस करके उन्होंने चतुर्दास के होर ब्राह्मण जोड़े चर्चा करना है सन, उन्होंने कहा भी जोड़ा सूतक है, सूतक तुहाडे मन के अंदर है। तुहाडा मन जदों माड़ा है, मैला है, प्रिष्टिया है, तो तुहाडे मन च सूतक है, वह सूतक जोड़ा सारे पासे फैल जाता, जिसनों भी हथ लाओगे वो सूतक आ जाएगा, वह सारी की सारी प्रिष्टि जाएगी। तो इस करके सूतक नाँ की कोई ऐसी चीज़ नहीं होंगी भी जी किसी जात चो या किसी जन्म जिस परिवार चो उस तो आई हो, जो थोड़े प्रोफेशन चो आई हो, पेशे चो आई हो, सूतक इन्हें नहीं होंगी। सूतक थोड़े मन की बुरियाई है। तो कुछ दिन उत्थे गुरु नानक साहब रहे, क्योंकि बनारस में बहुत लोग आते सन, गुरु नानक साहब कई दिन रहे। तो उत्थे गल्लां करदिआं करदिआं उन्होंने एक पंडित नूं शेर चतुर्दास में पूछा हैगा भी वह भगत कबीर का घर जाता है, तो उसने कहा भी मैं जानता तुहानूं, मैं अगले दिन लै जावांगा। तो गुरु नानक साहब अगले दिन उड़ीकते रहे पर वह पंडित ना आया, क्योंकि वह पंडित जुलाहियां दे घर विच जाना नहीं सी चाहुंदा, जुलाहियां नूं वह नीवीं जात दे समझदे सन। तो खैर गुरु नानक साहब ने होर लोगों को पुछ पुछ के तो भगत कबीर का घर लभ लिया। भगत कबीर को गए आ, भगत कबीर अपने खड्डी के उत्ते काम कर रहे सन, जिस तरह आम लोगों ने कहानियां साधा ने बनाती ना भी खड्डी का काम छड़ के लोगों खुआन पियान सेवा करने तुर पे सन, ये गल गलत है। कबीर जी खड्डी से अपना काम कर रहे से, गुरु नानक साहब गए आ, गुरु नानक साहब ने भगत कबीर के नाल चर्चा की है। और भगत कबीर जड़े ने उन्होंने गुरु नानक साहब के नाल तो कुछ शब्द सुने तो उन्होंने मन में बहुत लगे आ। ये गल्लां करदिआं करदिआं उत्थे उन्होंने हैरानी की गल हुई कि शाम वेले बड़ी संगत इकट्ठी हो गई उस इलाके की, तो सारे लोग आ के तो इकट्ठे आप अपना खाने का समान लिया है। गुरु नानक साहब तो भगत कबीर तो सारे ने रल के खाना खाधा। ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਠਹਿਰ ਪਏ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਣਗੇ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠੇ ਆ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮੱਛਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਉੱਠ ਬੈਠੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਏ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾਏ, ਕੁਝ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਏ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਾਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੰਡੀ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
कि कबीर जी तो रविदास जी गुरु नानक साहब सिर्फ एक दो तीन दिन वास्ते मिले हैं जो बनारस गए तो चेता बनने वास्ते उन्होंने को रहना होंगे उन्होंने को सीखना होंगे ये उन्होंने विचार चर्चा की दोस्तों की चर्चा चर्चा की। हालांकि साढ़े को जो पुराना एक सोमा वे लिखे है कि जो तो भगत रविदास जी को गुरु नानक साहब तो कबीर जी चलन लगे आ तो भगत रविदास जी ने गुरु नानक साहब के गोडे हाथ लाने की कोशिश की तो गुरु नानक साहब ने उन्होंने हाथ फड़ लए नीवा आम तो पहला ही तो कहा भी तुम तो साढ़े बुजुर्ग हो तुम बाबा रविदास हो मैं तो थोड़े बच्चों वर्गा। तो भगत रविदास कह लगे तुम उम्र में छोटे हो गए पर रूहानियत मेरे तो व्डे हो कबीर जी मेरे तो व्डे ने भावे मेरे नो 30 साल छोटे ने पर तुम तो मेरे नो बहुत ही व्डे हो क्योंकि रूहानियत के गुना थोड़े बहुत ज़्यादा ने यहोजियां गल् जहोल दियाँ तिना महान हस्तियां ने कीतियाँ तो इस तुम बाद गुरु नानक साहब जोड़ा अगे चल गया। ये गुरु नानक साहब की बनारस काशी जाने की वार्ता जिद इन्ह महान शख्सियतों मिले सन। शुक्रिया।